अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्लेम के बारे में बताऊंगा जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब को दिया गया। इनको आप बखूबी जानते होंगे। इन्होंने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से जो है सन 2000 में जो है एक पॉलिसी ली थी और जिसकी सम इंश्योर्ड अमाउंट जो थी वो तकरीबन 5 लाख थी, ठीक है। और इन्होंने जो प्लान लिया था वो टेबल टर्म जो थी वो 3/20 थी, यानी 03/20 का इनका प्लान था। एंडोमेंट पॉलिसी इन्होंने करवाई थी और इस टाइम पे जो इनकी मैच्योरिटी हो रही है वो हो रही है इनकी 51 ईयर एज में। ये इसका स्टेटस जो है ये इन्फोर्स हुआ हुआ था और इस पर जो बोनस लगा है वो तकरीबन 8,57,500 का बोनस लगा है। इसके अलावा इनको लॉयल्टी बोनस भी दिया गया है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। तो ये इनकी जो है ये पेमेंट स्टेटमेंट है, ये इनकी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का जो स्टेटमेंट होता है ये उसकी कॉपी है। ये जो है मैच्योरिटी क्लेम है, जो फॉर्म होता है मैच्योरिटी क्लेम प्रे रिसिप्ट डिस्चार्ज वाउचर फॉर्म जो होता है ये है, इसको फिल किया जाता है। तो ये शेख रशीद अहमद साहब ने इसको फिल किया, कंप्लीट किया इसको। इसमें देखें अंगूठे आते हैं, सिग्नेचर वगैरह आते हैं और इसमें तमाम डिटेल आती है, ठीक है। और ये इनको एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से एक चेक दिया गया है जिसकी अमाउंट जो है 18,29,500 है और ये UBL बैंक का चेक है। तो मैं बताता हूँ कि ये किस तरह इनको मिले हैं पैसे और ये इन्होंने कौन सी पॉलिसी करवाई थी। इन्होंने बेसिकली जो पॉलिसी करवाई थी वो इन्होंने करवाई थी सम इंश्योर्ड 5 लाख वाली, ठीक है। यानी तकरीबन ये तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपये ये सालाना बेसिस पे कर रहे होंगे। यहाँ पे NIC लगा हुआ है, वरना मैं आपको एग्जैक्ट जो इसका प्रीमियम अमाउंट है वो भी मैं आपको बता देता। तो ये तकरीबन 25,000 से 30,000 के दरमियान की फ़िगर जो है सालाना बेसिस पे कर रहे होंगे, जिसका रिटर्न इनको जो है 2020 में जो है तकरीबन 18,29,500 रुपये इनको रिटर्न दिया गया है चेक। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही दिया गया इनको रिटर्न जो दिया गया है, क्योंकि अब जो 2021 में जिन लोगों ने पॉलिसी ली है या 2020 में जिन लोगों ने पॉलिसी ली है को आफ्टर 20 ईयर्स जो है इसी सम इंश्योर्ड अमाउंट में तकरीबन उनको 20 से 25 लाख रुपए, तकरीबन उनको 25 लाख के करीब जो है अमाउंट मिलेगी, 22 से 25 लाख रुपए के करीब उनको अमाउंट मिलेगी, जो बिल्कुल सही अमाउंट होगी। और इसी तरीके से आपको अमाउंट्स बताई जाती हैं कि मैच्योरिटी इस तरह मिलेगी, इतनी मिलेगी। इन्होंने 20 साल पहले पॉलिसी करवाई थी तो इनको 18,29,500 मिले। अब जो लोग नई पॉलिसी ले रहे हैं उनको इसी सम इंश्योर्ड अमाउंट में जो है तकरीबन उनको 20 से 25 लाख रुपये, 22 से 25 लाख रुपये के करीब अमाउंट मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में यही चीज़ बताई है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से जो है मैच्योरिटी क्लेम दिए जा रहे होते हैं, डेथ के क्लेम दिए जा रहे होते हैं, सिलेंडर वैल्यू के क्लेम दिए जा रहे होते हैं। तो जो लोग भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी करवाना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618209। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से एक डेथ क्लेम अदा किया गया है। ये डेथ क्लेम जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने 2020 में TV प्रोग्राम नीलाम घर के एंकर मशहूर मारूफ शख्सियत तारिक अजीज़ मरहूम की वफात पर इनकी वाइफ को दिया। इस क्लेम की अमाउंट जो है 43,35,000 रुपये की थी। इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों यही होता है कि आप लोगों को बार बार ये बात बताई जाए कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक गवर्नमेंट का इदारा है जो अपने पॉलिसी होल्डर को उनकी वफात के बाद जो है उनकी फैमिली को डेथ क्लेम के मंथ में एक चेक अदा करती है, जिससे फैमिली को सपोर्ट हो जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि दोस्तों आप लोगों ने अब तक जिन लोगों ने भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी नहीं ली है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लाजमी करवाएं, ताकि उनकी फैमिली को सपोर्ट हो सके। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के बेहतरीन फ़वायदे उनमें जो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन फ़वायदे वो यही हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर कोई भी शख्स लेता है तो उसकी फैमिली को जो है कवरेज हो जाती है, उसकी फैमिली को एक सपोर्ट हो जाती है डेथ क्लेम की मद में, नेशनल डेथ क्लेम की मद में। अगर इन केस कोई दौरान पॉलिसी पैसे चाहिए हो तो पैसे भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से मिल जाते हैं, जो लोन की मद में मिल जाते हैं। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप एक लोन की अमाउंट भी ले सकते हैं। उससे आप जो है अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों की जो है शादी वगैरह में उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप बच्चों को अपनी हाई एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं तो उसमें भी इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा भी बेशुमार फ़वाद हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। अगर पॉलिसी लेते हैं तो दुराने पॉलिसी, अगर कोई इंजरी क्लेम आ जाता है तो उस सूरत में कोई बॉडी का पार्ट ज़ाया हो जाता है तो उस सूरत में भी कंपनी क्लेम देती है। इसके अलावा पेंशन की मद में देती है, डेथ के बाद जो है फैमिली को हर साल जो है 20 साल तक जो है पेंशन क्लेम भी दिया जा रहा होता है, उसकी मद में भी एक चेक दिया जा रहा होता है। तो ये बहुत सारे फ़वाद हैं, तो इस किस्म के बहुत सारे फ़ायदे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। तो आप लोगों से यही बोला जाता है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लाजमी करवाएं ताकि आपको एक फाइनेंशियल तौर पे एक फ्रीडम हासिल कर सकें कि आपकी सेविंग कहीं एक अच्छे इदारे में एक अच्छी जगह पे जमा हो रही है जिसका रिटर्न फ्यूचर में मैच्योरिटी की मद में मिलने वाला है। अब ये तारिक अजीज साहब ने पॉलिसी करवाई थी, ये 43,35,000 रुपये का चेक दिया गया इनकी वाइफ को, इनकी बेवा को। तो इन्होंने लाजमी सालाना प्रीमियम जो अदा करते होंगे, ये 2 से 2.5 लाख रुपये सालाना प्रीमियम अदा करते होंगे जिसका रिटर्न इनको इतना ज़्यादा मिला है इनकी फैमिली को। अब इस चेक की मद में कितनी ज़्यादा सपोर्ट हो गई होगी, आप तमाम लोग इस बात को बाखूबी जानते हैं। तो इसी तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लिया जाता है, मैनेज किया जाता है, प्लान किया जाता है ताकि फ्यूचर में इसके बेनिफिट उठाए जा सकें। ओके, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 0313-261-8209। जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं, जो लोग भी मुझसे रابطہ करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मौशी तहफ़ और खूबसूरत पैगाम है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, आइए मैं आज स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके तहत आप महाना बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवा के एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम जो है एंडोमेंट प्लान है और ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बहुत बेस्ट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न बताया जाता है ऑलमोस्ट वही आपको रिटर्न मिलता है। इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप माहाना बेसिस पे अगर अपने पास 10,000 रुपये सेव करके इसके प्रीमियम के अमाउंट जमा कर सकते हैं, ये प्लान ले सकते हैं 10,000 रुपये मंथली वाला। माहाना बेसिस पे अगर आप ये प्लान ले सकते हैं तो इसमें जो है आपको आफ्टर 20 इयर्स तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेगा, यानी 20 साल के बाद आपको तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ मिलेंगे। ये जो मिलने वाली रकम है ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, 80 लाख से 1 करोड़। जिस तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉफिट होगा उसी तरीके से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये प्लान लेना चाहते हैं, तो आप अपने पास माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये सिर्फ निकाल के ये प्लान ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको मुसलसल 2 साल कंटिन्यू, जो आप जिस डेट को ये प्लान लेंगे उस डेट को ड्यू डेट से पहले आपको मुसलसल 2 साल तक ये अमाउंट अदा करनी लाजमी है। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये डेट टू डेट पे कर सकते हैं तो आप ये प्लान लें, अदरवाइज़ आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान ले सकते हैं जो सालाना बेसिस पे या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे मौजूद हैं। ओके, तो ये सिंपल है, आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेटी की तरह इस प्लान को ले सकते हैं। अगर आप माहाना बेसिस पे 10,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये प्लान लें और ये काफ़ी अच्छा प्लान है, इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और इसमें लोन फैसिलिटी भी है। अगर आप 3 ईयर्स हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% जो आपकी अमाउंट जमा होगी उसका आप लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेथ क्लेम होगा, तकरीबन आपकी जो भी सम इश्योर्ड अमाउंट बनेगी आफ्टर 20 इयर्स, जो आप माहाना बेसिस पे अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये आप माहाना देते हैं तो आपकी तकरीबन 20 साल में जो अमाउंट बनती है वो बनती है तकरीबन 24 लाख रुपये, तो वही आपका डेथ क्लेम हो जाएगा। नेचुरल डेथ की मद में 24 लाख रुपये और एक्सीडेंट की सूरत में अगर डेथ होती तो उस सूरत में 48 लाख रुपये आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मज़ीद राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं, AIB या फिर FIB या ADP।
ये जो अमाउंट बताई जा रही है 10,000 रुपये, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आप जब ऑफिस आएंगे तो बाकायदा आपकी एज के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बताई जाएगी, वही आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट बनेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है, और इस प्लान को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, 03132618209। इसके अलावा अगर आप लोग एयरली बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। आप सालाना बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ एयरली बेसिस पे भी पॉलिसी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें क्वार्टरली बेसिस पे, यानी हर 3 मंथ के बाद आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप वो पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने से पहले अपनी जितनी भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं उनको सबको मैनेज कर लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल प्रॉपर दे सकें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं सेविंग के लिए, आपने एक इरादा किया है, तो आप फिर एक पक्के इरादे से आइएगा, ताकि आप अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट को ड्यू ना कर सकें। क्योंकि फिर चीज़ें अगर लेट होती हैं, प्रीमियम की अमाउंट लेट जमा होती है, तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आप पॉलिसी लें, और माहाना पॉलिसी लें या एयरली बेसिस पे पॉलिसी लें, कोई भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो याद रखिएगा, शुरू के 2 साल लाजमी प्रीमियम टाइम पे अदा करने होते हैं, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो बंद हो जाती है। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है, 03132618209। इस पर आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं जब फ्री हूँगा आपको रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।